हमें बड़ा न्यू लग रहा है यहाँ पे, मैं पब्लिक का रिव्यूज ले रही हूँ काफी, उनको बड़ा यूनिक आइडिया लग रहा है कि आप कुरान पाक लिखवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जैसे पहले वही नाजिल की, इकरा पढ़े, और उसी में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ताला ने कलम के जरिए इल्म सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चंद सहाबा थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, तो वो कुरान पाक को लिखा करते थे। यहाँ पे कुरान को लिखने का वैसा कल्चर नहीं है, लोग लिखते नहीं है, तो इसी सिलसिले में उस्ताद जी ने वल कलम मुतारिफ करवाया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये कंप्लीट कुरान है, ये आप देख सकते हैं ग्रे टेक्स्ट में। आप इसे अपनी बेड साइड बुक बना सकते हैं, चाहे तो डेली एक वर्ड लिखें, एक आयत लिखें, और अनकरीब इंशाल्लाह आपका जो है वो कंप्लीट मुसफ जो है वो अपने हाथ का लिखा हुआ कुरान तैयार हो जाएगा माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमैया यासीन है। ये बताइए कि जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चे बड़े सब ये कुरान मजीद लिख रहे हैं, कि इस बारे में आप क्या कहेंगी, ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल-नूर पब्लिकेशंस की जानिब से और उस्ताद निगहत हाशमी की तरफ से ये एक काविश की गई है कि जिसे लोगों के लिए आसान कर दिया कि आप कुरान पाक को लिख सके। जैसे कि ये सिलसिला हमें बड़ा न्यू लग रहा है, यहाँ पे मैं पब्लिक का रिव्यूज ले रही हूँ काफी, उनको बड़ा यूनिक आइडिया लग रहा है कि आप कुरान पाक लिखवा रहे हैं। और नो डाउट ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पेश किया जाने वाला ऐसा पहला कुरान है जिसमें आप कुरान पाक लिख भी सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे पहले वही नाजिल की, इकरा पढ़े, और उसी में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ताला ने कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो वो जो रीड एंड राइट का कॉन्सेप्ट हमें पहली वही से मिलता है। और फिर आगे आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चंद सहाबा थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, तो वो कुरान पाक को लिखा करते थे। उनका एक खास मुकाम था, उनको कातिबे वही कहा जाता है कि वो वही को लिखने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले की कड़ी में कि हम लोगों का यहाँ पे कुरान को लिखने का वैसा कल्चर नहीं है, लोग लिखते नहीं है, तो इसी सिलसिले में उस्ताद जी ने वल कलम मुतारिफ करवाया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये कंप्लीट कुरान है, ये आप देख सकते हैं ग्रे टेक्स्ट में, ये अल-नूर पब्लिकेशन की तरफ से प्रिंट करवाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत ये आप देख सकते हैं। और ये मुकम्मल कुरान है कि आप इस पे यहाँ से देखें, इस पे आप लिख सकते हैं, ग्रे टेक्स्ट में प्रिंट करवाया गया, इसके ऊपर आप अपने चाहे आप ब्लैक से लिखें, और जो छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलरों के साथ लिख रहे हैं, जेल पेन के थ्रू और पॉइंटर के थ्रू। और ये देखें कम्प्लीट, ये 1 नाज तक आप मुकम्मल कर सकते हैं, यानी कि आप इसे अपनी बेड साइड बुक बना सकते हैं, चाहे तो डेली एक वर्ड लिखें, एक आयत लिखें, और अनकरीब इंशाल्लाह आपका जो है वो कम्प्लीट मुसफ जो है वो अपने हाथ का लिखा हुआ कुरान तैयार हो जाएगा माशाल्लाह। देखने वालों को आप इस हवाले से क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे रसूल की यह हदीस है कि अनकरीब कयामत के दिन जो है मुसफ़ उठा लिए जाएंगे, कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला अपने उठा लेंगे। तो देखिए उसमें हमारे हाथ का लिखा हुआ कुरान भी मौजूद होगा, यकीनन वो हमारे लिए बेहतरीन गवाही होगा कि हमने अपने हाथों से उसे लिखा है। और हदीस में जिसमें रसूल ने फरमाया कि जो कलमी नुस्खा है वो सदक़े जारिया वाले अमाल में से, जब तक वो पढ़ा जाता रहेगा उसका सवाब उसके लिखने वाले को भी मिलता रहेगा। तो मैं ज़रूर ये तजवीज़ पेश करना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर वल कलम लिखें और अपने हाथ से, इसलिए इसके लिखने का फायदा भी है, और दूसरा आपका टाइम जितना भी कुरान के साथ स्पेंड होगा आपकी एक हैबिट जनरेट होती है उसकी तिलावत करने की। आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा अब मैं इसको समझूं भी कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, ट्रांसलेशन की तरफ आपका माइंड जाएगा, फिर उसकी तफसीर की तरफ जाएगा। तो ये एक सिलसिले की कड़ी है कि आपका कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो इंशाल्लाह। आप लोगों की ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम बता सकते हैं कि ये सारा कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप घर बैठे बैठे। जी आप देख सकते हैं कि हमने जिस दिन पहला दिन था, आज जैसे माशाल्लाह एक्सपो का 4th दिन है, कल लास्ट डे है, तो ये इन 4 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी लोगों ने, मतलब 100 से ज्यादा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विजिट किया। और उसमें क्या कहते हैं आप देखिए, मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो कुरान लिखे, जिसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और माशाल्लाह देखें किसी ने एक एक वर्ड लिखते लिखते ये हमारा पूरा पारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा दूसरा पारा इस वक्त चल रहा है और कल तक इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमारा कितना मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप भी इसमें एक वर्ड जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। बहुत बड़ा सरमाया होता है किताब, और जो देखे वही का भी जो हुआ था वो यही बना था, इकरा पढ़, यानी किताब तो जो है वो ही हमारी पहली जो है ना वही का नजूल इससे है। तो इससे तो इल्म से ही तो जो है ना इंसान की जो है पहचान होती है, और इल्म के बगैर अगर है तो इंसान और हैवान में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। और किताबें तो बहुत अजीम सरमाया हुआ करती हैं, और इनके जो है, और हमारे उस्तादा साहिबा ने एक इल्म का ख़जाना जो है वो आइंदा नस्लों के लिए छोड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला जो कि हमारी है ना मुस्तकबिल में जो है नस्लों की जो है ना इंशाअल्लाह आबियारी करेगी। आपके पास किस किस टॉपिक्स की बुक्स हैं अवेलेबल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है कुरान जो है ट्रांसलेशन तर्जुमा है,
उसके अलावा कुरान तफसीर जो कि एशिया की पहली खातून मुफस्सरा हैं उस्ताज़ा निगहत हाशमी साहिबा, जिन्होंने कि ये किताब जो है तफसीर तहरीर फरमाई है। उसके अलावा उनकी जो तसनीफात में है ये किताब जैसे है, ये है रब के दर पर। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है जो अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात जो हैं उनके नामों से है, उनके ज़रिए कैसे हम दुआ मांग सकते हैं। इसी तरीके से ये एक और किताब है बहुत खूबसूरत, ईमान का रास्ता। ये किताब जो है उस्तादा साहिबा ने अकीदे के लिए पर की दुरुस्तगी के लिए भी है, क्योंकि अकीदा जो है वो ईमान का बीज हुआ करता है। अगर बीज अच्छा होगा तो एक तनावर दरख्त बन सकता है। दोस्ती किताब में इजाफे के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? दोस्ती किताब में इजाफे के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? हाँ जी, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन इंसान के जो है समझ बूझ में इजाफा जैसे होता रहता है, तो वैसे वैसे इंसान को उसमें आगे की तरफ बढ़ने की है ना भी ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है, और आए अब नए नए ख्याल भी आते हैं। तो इसी तरीके से हमें इन किताबों में जितना इल्म की पुख्तगी होती जाती है, ऐसे ऐसे इल्म की तरवीज भी होती जाती है। जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही क्या था कि वो जो नस्लों की तरबियत करना, और इंसान का जो मकसद था और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था मिशन जो था कि उन लोगों का यानी कि तमाम अफराद का ताल्लुक रब से मजबूती के साथ जोड़ना, तो यही मिशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल-नूर का भी है, जिसमें लोगों का जो है ताल्लुक जो है वो रब से जोड़ने के लिए ये तमाम तसनीफात जो है ये इसकी अक्कासी करती हैं। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं या आपको कोई मसला है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि हमारी सबसे अच्छी, प्यारी और खूबसूरत किताब कुरान मजीद को पढ़ें और इसे समझें। बहुत से लोग इसे पढ़ते तो हैं लेकिन इसे समझते नहीं हैं। इसे समझें और इसमें बताए हुए हमारे परवरदिगार के अहकामात पर चलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।